कल राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बड़ी बैठक होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं आपको, बताते चले कि सीईसी की यह बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें अगले जो भी उम्मीदवार 195 के इतर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग हिस्सों से, खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर, इनके नामों पर मंथन किया जाएगा। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी दौरे पर रहे हैं, अलग अलग राज्यों से होते हुए वो आज आजमगढ़ पहुंचे, उसके बाद राजधानी दिल्ली लौटेंगे कल शाम 6 बजे। लेकिन सीईसी की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इसमें तय किया जाएगा कि बीजेपी और कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर दांव लगाती है, खासतौर से महाराष्ट्र बिहार पर सबकी नजर बनी रहेगी। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, सभी को इंतजार है कि अगली जो सीईसी की बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की, उसमें भारतीय जनता पार्टी किन नामों पर मोहर लगाती है, तो कौन कौन से राज्य हैं जिनको लेकर कल की बैठक में चर्चा की जाएगी? पीयूष जी बिल्कुल, चित्रा आपको बता दें कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है बीजेपी की दिल्ली में, कल शाम को 6 बजे बैठक होगी। इस बैठक में महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें और इसके अलावा उड़ीसा, तमिलनाडु, यहाँ की कुछ सीटों पर मंथन हो सकता है। इससे पहले कल की सीईसी से पहले हमने देखा कैसे जो कई ये राज्य हैं इन सब की कोर ग्रुप की बैठकें इससे पहले हो चुकी हैं और कोर ग्रुप की बैठक में ही कई नामों पर चर्चा हुई है। पहली सीईसी में 195 नामों का ऐलान बीजेपी ने किया था और उसके बाद अब जो बाकी सीटें हैं उनको लेकर ऐलान बीजेपी कर सकती है, उसी को लेकर मंथन लगातार पार्टी में चलता रहा है। कई दौर की बैठकें जो है पार्टी में हुई है और अब कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें कई बड़े नामों पर मोहर लग सकती है, कई बड़े राज्यों को लेकर चर्चा हुई है। सीईसी की जब बैठक होती है पीयूष, वो इतने घंटे घंटे चलती है, तो कल जब शाम को 6 बजे बैठक शुरू होगी तो क्या ये माना जा सकता है कि नामों का ऐलान फिर परसों किया जाएगा या कल ही हो जाएगा? नामों का ऐलान जो है वो उसके बाद ही होगा। कल सीईसी देर रात तक चल सकती है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कैसे सीईसी सुबह 3 बजे तक चली थी और उसके बाद एक दो दिन के बाद ही नामों का ऐलान हुआ था। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि कल जब शाम को 6 बजे ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी तो वो काफी देर तक चल सकती है और उस बैठक के बाद उसमें जो मंथन होगा उसमें जिन नामों पर मुहर लगी जाएगी उन नामों का ऐलान अगले 1 से 2 दिन में हो सकता है। चले बहुत धन्यवाद आपका पीयूष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की बाकी बची हुई सीटें, बिहार की कुल 40 सीटें, इन तमाम सीटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी भारतीय जनता पार्टी की। अगली सूची में कौन से नाम इन होते हैं, कौन से आउट हो जाते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर।